दोस्तों फ्रंट रो टीवी पे आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रबल तिवारी सुबह लेके आए हैं आपके लिए आज का राशिफल बुधवार वाले दिन। जी हाँ, वेडनेसडे को हमारे अपने पवन गुप्ता के साथ क्या बता रहे हैं आज के राशिफल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज 9 जून 2021 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। नक्षत्र जो है वो कृतिका नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 11:54 से लेकर दोपहर के 1:08 तक जो है वो रहेगा। तो आज जिन जातकों का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है उनको हमारी तरफ से, पूरे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन जो है वो मंगलमय हो, यही कामना करते हैं भगवान से। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों से। सबसे पहले बात करेंगे एरिस यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज समय थोड़ा सा चिंता वाला दिखाई दे रहा है। कामकाज की स्थिति भी आज कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आज सुख में कमी दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता आज बनी रहेगी, और अगर कोई भूमि वाहन बाय करने जा रहे हैं तो समय उसके लिए आज अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आज सुख में कमी, या कोई अगर भूमि वाहन बाय करना जा रहे हैं तो उसमें अगर रुक जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल प्रदान नहीं करने वाला होगा। किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलें आपकी आती ही रहेंगी। कामकाज का मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अभी अच्छा नहीं रहेगा, आज का दिन शुभ नहीं है उसके लिए। तो किसी भी तरह की अगर कोई एडिशन करना चाहते हैं या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर रुक जाए। आगे बात करते हैं टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज दाम्पत्य सुख जो है वो काफ़ी बिगड़ने वाला है। आपकी गुस्सा, आपका जो है क्रोध आज आपके रिलेशंस को काफ़ी ख़राब करेगा। इस बात का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें, अपनी सेहत का खास करके ध्यान रखें। आज सेहत भी आज कहीं आपकी बिगड़ सकती है। तो किसी न किसी प्रकार से मानसिक परेशानियां आज आपकी बनी रहेंगी और किसी डिसीजन पे आज नहीं पहुंच पाएंगे। और कई बार गुस्से में हम कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। आगे बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का नुकसान भी आज के दिन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, इनकम आज उतनी नहीं रहेगी। जो पैसा आपका, धन आपने कहीं अर्जित किया है वो भी आज कहीं खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन या पारिवारिक सदस्य के कारण आज खर्चों में बढ़ोतरी, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज पे भी आज खर्चा आपका हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ सकता है, तो किसी वाद विवाद से भी आज आपको बचना चाहिए। स्थिति ग्रहों की आज बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल नहीं है। आगे बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो लाभ की स्थिति आज बनी हुई है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से थोड़ा सा ज़रूर आज आपको बचना चाहिए, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उसके कारण आपकी बिगड़ सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ आपका संबंध जो है वो अच्छा मधुर हो सकता है, बट आपको किसी न किसी वाद विवाद से ज़रूर बचना चाहिए। आज कहीं ना कहीं आपस में गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़े भाई बहनों का आपको सत्कार करना चाहिए, गलत फहमियों से दूर रहें, किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन आपके लिए शुभ हो सकता है, बट सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियों में आज दिक्कत परेशानी हो सकती है, हड्डियों में आज दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है, और लीवर का खास करके ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो कामकाज की स्थिति काफ़ी आज बिगड़ी हुई है। बॉस के साथ अनबन, कहीं जॉब जाने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, या जॉब पे किसी के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है जो आपको आगे नुकसान का आपके लिए कारण हो सकता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। वाणी आपकी आज थोड़ी सी अपना वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, वाणी ध्यानपूर्वक बोलनी चाहिए। किसी को कुछ ऐसे अपशब्द या किसी सरकारी क्षेत्र में अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं या कोई आपका काम अटका पड़ा है तो उससे थोड़ा सा ज़रूर बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी आज नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी प्रकार का अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आज सफलता ना मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज भाग्य आपका साथ देने वाला हो सकता है, और
किसी न किसी प्रकार की आज यात्राएं भी आपकी दिखाई दे रही हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। बस थोड़ी सी दौड़ भाग जरूर रहेगी। यात्राएं करें, कर्म करें, मेहनत करें, तो उसके बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। आगे बात करूं कामकाज की स्थिति, कामकाज के लिए आपके लिए आज थोड़ा सा समय अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से लाभ जरूर आप अर्जित कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी किसी न किसी प्रकार का आज कोई अच्छा समाचार मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। लाभ में थोड़ी सी कमी जरूर आ सकती है, थोड़ा खर्चा ध्यान से करें। आगे बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज हर काम में आपके अड़चने जो है वो बढ़ती रहेंगी। ऑब्स्टेकल्स आज हर काम में आप देखेंगे कि जो भी काम आज कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपके अड़चने ही अड़चने आती जा रही हैं। चिंता ना करें, कुछ समय की बात है, समय आपके लिए ठीक हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा जरूर अपना ध्यान रखें और चिंता परेशानी आज जो है वो बनी रहेगी। खास करके वाहन ध्यान से चलाएं, कहीं ना कहीं आज दुर्घटना का भी योग दिखाई दे रहा है जिसके कारण चोट लगने के भी योग हो सकते हैं। आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आप पार्टनरशिप में आज कहीं ना कहीं धोखा आपको मिल सकता है या नुकसान हो सकता है। अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो अभी थोड़ी देर रुक जाएं, पार्टनरशिप ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, किसी न किसी प्रकार से पति पत्नी में भी मतभेद आज दिखाई दे रहे हैं। कामकाज की अगर बात करूं तो भाग्य भी ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है, कामकाज की दशा भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी आज। थोड़ा सा अगर मैं आगे भी कहता आ रहा हूँ कि कोई भी कार्य करना है, जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को ना बताएं उसके बारे में, तो ये आपके लिए शुभ हो सकता है। आगे बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज कोई शत्रु आज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है जिसमें वो कामयाब भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी गतिविधियों पर ज़रूर ध्यान रखें। किसी प्रकार का किसी के वाद विवाद में ना पड़े, किसी का झंझट अपने मोल ना ले, उलझनों में ना उलझे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज जो है कहीं ना कहीं आपके लिए कोई लड़ाई झगड़े से आज चोट लगने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। किसी हथियार के साथ भी आज चोट लगने के योग दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए किसी वाद विवाद में ना पड़े, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, कोशिश करें अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज किसी न किसी प्रकार का कोई लोन भी लेने से ज़रूर आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई लोन लेंगे तो आपके लिए मुश्किल परेशानियां उसमें खड़ी हो सकती हैं। पहले तो वैसे तो आपको लोन मिलेगा नहीं, अगर आपको मिलता भी है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो संतान पक्ष से आज समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, किसी न किसी प्रकार की चिंता परेशानी संतान की तरफ से आज बनी रहेगी। उनके रिजल्ट्स को लेके या उनके करियर को लेके या किसी प्रकार की संतान के साथ अनबन जो है वो आज आपके ग्रहों में दिखाई दे रही है, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को लेके जिद कर लेते हैं, तो हमें बच्चों की बात भी कभी कभी सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके व्यूज़ क्या है किसी चीज़ के लिए, तो उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी बात के लिए बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं तो वो भी एक किसी न किसी प्रकार से वाद विवाद का कारण बन जाती है, तो इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। थोड़ा सा ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल होना सीखें, आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज भूमि वाहन से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर कोई भूमि लेने जा रहे हैं तो अभी थोड़ी देर उसमें रुक जाएं, बहुत समय आपके लिए शुभ नहीं दिखाई दे रहा। वाद विवाद की स्थिति भी आप बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश, किसी न किसी प्रकार से शत्रु तंग कर सकते हैं। रोग ऋण कर्जा मुकदमा और इस प्रकार की स्थितियां, रोग भी आज कोई ना कोई तंग कर सकता है। सेहत आपकी ज़्यादा आज बिगड़ सकती है, सेहत का आपको खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेहत की पक्ष से ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे पहले बाकी चीज़ों को छोड़ के अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, ये सबसे ज़रूरी रहेगा आज के दिन आपके लिए। आगे बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो समय आज दौड़ भाग में ही गुजरेगा, कामकाज इतना ज़्यादा आपका नहीं बन पाएगा, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें डिले या किसी न किसी प्रकार की परेशानियां आज आपको देखने को मिलती रहेंगी। और लाभ की स्थिति बनी हुई है, साथ में खर्चे भी आपके बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। आज लव अफेयर्स में समय आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप कोई शादी का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं या शादी के लिए आप विवाह के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो अभी समय उसके लिए शुभ नहीं है। कुछ अगर बात बन भी रही है तो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी इन चीज़ों को थोड़ी देर टाल दें तो आपके लिए
शुभ रहेगा। और दौड़ भाग बस थोड़ी सी कोशिश करें, कोई दिन की अपनी प्लानिंग दिन को प्लान करके ही करें तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।